नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। पूरा देश 22 सितंबर का इंतजार बेसब्री से कर रहा है, क्योंकि यही वो दिन होगा जब 125 अरब देशवासियों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे और पूरा विश्व सुनेगा। यही नहीं, मोदी के साथ मंच पर दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद रहेंगे। एक मंच पर जब सबसे पुराने लोकतंत्र और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के राष्ट्र प्रमुख एक साथ होंगे तो हर एक भारतवासी के लिए कितने गर्व की बात होगी, क्योंकि उस वक्त मंच पर बीजेपी नेता मोदी नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। एक तरफ भारतवासियों के लिए गर्व का पल होगा तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इसका मजाक उड़ाने में लगे हुए हैं। यही नहीं, हाउडी मोदी का मजाक उड़ाने पर कांग्रेस के ही दिग्गज नेता शशि थरूर ने भी उन्हें जबरदस्त नसीहत दी है। दरअसल 22 सितंबर को अमेरिका के ह्यूस्टन में होने जा रहे हाउडी मोदी मेगा इवेंट का मजाक उड़ाते हुए राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था। मोदी को देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में बताना चाहिए। गांधी ने एक खबर का हवाला देते हुए कहा, मोदी जी हाउडी इकोनॉमी डूइंग, यानी अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है, फिलहाल ये अच्छी नहीं दिखाई पड़ती। अर्थव्यवस्था के बहाने राहुल गांधी ने पहले तो हाउडी मोदी इवेंट पर तंज मारा, फिर जब मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए गुरुवार को कॉरपोरेट टैक्स में जबरदस्त कमी करते हुए इसे 30% से 22% पर लेकर आ गई, तो इस पर भी राहुल गांधी तंज मारना नहीं भूले। इस बार भी उन्होंने अर्थव्यवस्था के बहाने हाउडी मोदी इवेंट पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, हाउडी इंडियन इकोनॉमी के बीच नीचे जाते शेयर बाजार के लिए मोदी जी ने जो किया वो शानदार है। 1.4 लाख करोड़ रुपए के साथ ह्यूस्टन इवेंट दुनिया का अब तक का सबसे महंगा इवेंट है, लेकिन कोई भी इवेंट उस आर्थिक संकट को छिपा नहीं सकता जिसमें हाउडी मोदी ने भारत को डाल दिया है। राहुल गांधी ने जिस तरह से पीएम मोदी के मेगा इवेंट हाउडी मोदी का मजाक उड़ाया वो केरल के कांग्रेस सांसद शशि थरूर को रास नहीं आया। एक तरफ राहुल गांधी ने पीएम मोदी के कार्यक्रम का मजाक उड़ाया तो वहीं शशि थरूर ने कहा, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। Listen, this is a difficult question. We disapprove of many things Mr. Modi says and does. But when the Prime Minister of India is going abroad, we wish him well because he has to carry the flag of the nation outside the country. So I don't want to say anything more critical of that. Inside the country, we have a lot of things to say against his policies and his mistakes, which we believe are many. Outside the country, he is the Prime Minister of India. Let us respect. इससे पहले शशि थरूर ने एक ट्वीट में कहा था कि एक विपक्षी सांसद के रूप में मुझे नरेंद्र मोदी की नीतियों, बयान, काम, निष्क्रियता और उनकी विफलताओं को उजागर करने का अधिकार है, लेकिन जब वो विदेश जाते हैं तो वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और वो हमारा तिरंगा साथ ले जाते हैं। मैं चाहता हूं कि उन्हें मेरे देश के प्रधानमंत्री के तौर पर सम्मान मिले। इस ट्वीट से पहले गुरुवार को भी शशि थरूर ने कांग्रेस नेताओं को नसीहत दी थी कि हर वक्त पीएम मोदी की आलोचना नहीं करनी चाहिए। एक कार्यक्रम में पहुंचे थरूर ने कहा, हमें हर चीज पर मोदी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, बल्कि विपक्ष में होने के नाते हमें उनकी वापसी की वजह का पता लगाना चाहिए। उनके वोट प्रतिशत 31% से 37% तक बढ़ गए, जबकि हमारा वोट प्रतिशत नीचे चला गया। स्वच्छ भारत योजना और उज्ज्वला योजना जैसी उनकी नीतियों ने अच्छा काम किया है, हालांकि वास्तव में इन शौचालयों में 65% से अधिक में पानी की कमी है। यहां हमें रचनात्मक आलोचना करने की जरूरत है। 2019 चुनाव के नतीजों के बाद से ही शशि थरूर मोदी सरकार के खिलाफ हर मुद्दे पर घेरने के आलोचक रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, अभिषेक मनु सिंघवी की तरह शशि थरूर भी मानते हैं कि हमें मोदी की व्यक्तिगत आलोचना से बचना चाहिए। यही वजह है कि ह्यूस्टन में पीएम मोदी के हाउडी मोदी मेगा इवेंट की राहुल गांधी जहां आलोचना करने में जुटे हैं, तो वहीं शशि थरूर अमेरिका दौरे पर जा रहे मोदी का सम्मान करने की नसीहत दे रहे हैं। नासिक के साथ प्रभु रामचंद्र जी का नाम भी उतना ही जुड़ा हुआ है। तो मैं आज एक और बात भी बताना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं पिछले 2-3 सप्ताह से कुछ बयान बहादुर लोग, कुछ बड़बोले लोग अनाप शनाप बयानबाजी
राम मंदिर लेकर के शुरू कर दी है। देश के सभी नागरिकों का भारत की सुप्रीम कोर्ट के प्रति सम्मान बहुत आवश्यक होता है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो, सब पक्ष अपनी बात रख रहे हो, सुप्रीम कोर्ट लगातार समय निकाल करके बातों को सुन रही हो, तो मैं हैरान हूं ये बयान बहादुर कहां से टपक गए हैं। क्यों पूरे मामले में अड़ंगे डाल रहे हैं? हमारा सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा होना चाहिए, हमारा बाबा साहब आंबेडकर ने जो संविधान दिया है उस पर भरोसा होना चाहिए, हमारा भरोसा भारत की न्याय प्रणाली पे होना चाहिए। और इसलिए आज नासिक की पवित्र धरती से मैं देश भर में ये जो बड़बोले लोग हैं, बयान बहादुर लोग हैं, उनको हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, भगवान की खातिर, प्रभु राम की खातिर, आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ भारत की न्याय प्रणाली के प्रति श्रद्धा रखें। पूरे देश से प्रॉमिस किया था और हमने वादा किया था जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की समस्याओं के समाधान के लिए नई कोशिश, नए प्रयास करेंगे। आज मैं ये संतोष के साथ कह सकता हूं कि देश उस सपनों को साकार करने की दिशा में चल पड़ा है। जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान को समग्रता से लागू करना सिर्फ एक सरकार का फैसला नहीं है, ये 130 करोड़ भारतीयों की इच्छा का, भावना का प्रकटीकरण। ये फैसला जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को हिंसा के, आतंक के, अलगाव के, भ्रष्टाचार के कुचक्र से निकालने के लिए है। ये फैसला भारतीय एकता और अखंडता के लिए, ये हमारी प्रतिबद्धता तो थी, जम्मू कश्मीर के लोगों की आकांक्षा, उनके सपनों को पूर्ति का भी माध्यम बनने वाला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मेरे इस निर्णय से सहमत हैं? आप खुश हैं? आप खुश हैं? अभी मैं जब देवेंद्र जी बोल रहे थे तब आप नारा सुन रहा था, आप नारा लगा रहे थे कश्मीर हमारा है, लगा रहे थे ना, लगा रहे थे ना। आम आम नारा लगाना है, अब हमें हिंदुस्तानियों ने कश्मीर बनाना है। कल तक कहते थे कश्मीर हमारा है, अब हिंदुस्तानी कहेगा हमें नया कश्मीर बनाना है, वहां फिर से एक बार स्वर्ग बनाना है, हर कश्मीरी को गले लगाना है। 40-40 साल तक 42,000 लोगों को जिस धरती पर मौत के घाट उतार दिया गया, जो धरती रक्त से रंग दी गई, अब 130 करोड़ देशवासियों का संकल्प है कि फिर एक बार उस कश्मीर को स्वर्ग बना के रहेंगे। सारा देश लगेगा।